जानकी, 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 बाहर आओ इसी वक्त। इंदु, इंदु क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो इतना जोर से? जानकी, मैंने कहा बाहर आओ, जानकी। क्या हुआ इंदिरा बहू? तुम समझती क्या हो अपने आप को? बड़े बाप की बेटी हो तो हम सब पर भी हुक्म चलाओगी तुम? अरे अगर ऐसा ही था तो मेरे बेटे के साथ शादी क्यों की थी तुमने? मम्मी जी, बस तुम होती कौन हो मेरे बेटे की जिंदगी के फैसले करने वाली? तुमको हक किसने दिया कि तुम उसे उसी के घर से बाहर निकाल दो? क्या तुम भूल गई कि आज हम सब जो इस घर में है तो उसी की वजह से है? अरे अगर इस घर से किसी को जाना चाहिए तो समीर नहीं, तुम ही, तुम ही, जानकी, तुम ही। इंदिरा बहू, अब अगर मेरी बहुरानी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। गुनहगार समीर है, जानकी नहीं। लेकिन गलत, कुछ गलत नहीं किया है जानकी ने। अगर यह फैसला जानकी नहीं लेती तो मैं लेता और समीर को इस घर में कदम नहीं रखने देता। बापूजी, इस घर पर अगर सबसे ज्यादा हक किसी का है तो वो समीर का है, क्योंकि इस घर को बचाने के लिए उसी ने सारा पैसा दिया है। एक पैसा भी नहीं चाहिए मुझे समीर का, घर रहे या ना रहे, लेकिन इस घर में पाप की कमाई का एक रुपया भी लगने नहीं दूंगा मैं। लेकिन बापूजी, बस इस घर में समीर नहीं रहेगा। ये फैसला जानकी से ज्यादा मेरा, और अब इस बारे में मुझसे कोई बहस नहीं करेगा।